हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट कॉग्निशन। स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों में काफी मिसकंसेप्शन है। कुछ लोगों को ये गैम्बलिंग लगता है, इसकी वजह से लोग इसमें एंटर नहीं करते और वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इसलिए चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन मिथ के पीछे के ट्रुथ को समझें सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मिथ इज दैट द स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर रिच पीपल। लोगों में ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। हालांकि सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। और ये भी सच्चाई है कि कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स स्टार्ट छोटे अमाउंट से किए थे और लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया है। आज आप चाहो तो ओनली 100 रुपीज पर मंथ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके ब्लू चिप कंपनी का एक्सपोजर ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप छोटे अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर वेरियस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मिथ है स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। एक्चुअली इट इज ट्रू अप टू सम एक्सटेंट। मार्केट वोलेटाइल हो सकता है आपने बुल मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड हो तो आपको लॉस होगा। इसलिए देयर इज ऑलवेज सम लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड इन स्टॉक मार्केट, बट ये रिस्क उतना भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिटर्न का हिस्ट्री देखो तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने ही दिया है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप इन ब्लू चिप कंपनीज का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइटन ने लिस्टिंग से अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 59,000% का रिटर्न दिया है। TCS ने लगभग 2,600% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में जब भी मार्केट में करेक्शन हुआ है इन स्टॉक्स में भी गिरावट हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका चार्ट अप ट्रेंड में ही है। यानी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है इन कंपनीज ने। सो स्टॉक मार्केट उनके लिए रिस्की है जो बिना कंपनी के फंडामेंटल चेक किए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मिथ नंबर 3 इज दैट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज लाइक गैम्बलिंग। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है विच इज सिंपली नॉट ट्रू। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग में सक्सेस प्योरली आपके लक पे डिपेंड करता है, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी का बिजनेस देखते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, उसका टेक्निकल और फंडामेंटल देखते हैं। और फिर जब लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी और इसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का पोटेंशियल है, तब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि एक प्योर बिजनेस है जिससे आप बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में फास्ट रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मिथ नंबर 4, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ये भी एक मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना काफी है। आजकल ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप किसी भी फील्ड में बेसिक नॉलेज इजीली ले सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्सपर्ट होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन्ड होना। अगर आप बेसिक नॉलेज लेकर डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। मिथ नंबर 5, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द स्टॉक मार्केट टू बी सक्सेसफुल। अगर आप इंट्राडे या FNO में ट्रेड नहीं करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को डेली बेसिस पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को सिर्फ ये इंश्योर करना जरूरी है कि उसके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हों। अगर उसके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं तो रेगुलर बेसिस पे उसको स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक जरूर आपको रिटर्न देगा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट ट्रेंड पे इन्फॉर्म्ड रहो और अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करो सो दैट सही टाइम आने पर अगर पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना है, एवरेजिंग करनी है तो कर सको। सो ये थे 5 स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिसकंसेप्शन जिनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप भी ऐसे मिथ की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप इस पे विचार कर सकते हैं। इंडिया का इकोनॉमी फास्ट स्पीड से ग्रो होने वाला है, ऐसे में आप स्टॉक मार्केट से मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।